ये क्यों बीच में बैठा हुआ है? क्या वो बैठ जा पीछे पीछे बैठेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज संडे राइड हो रहा है, सो काफ़ी दिनों के बाद आज संडे राइड में निकले हैं। तो इतने दिन से कोई प्लान नहीं बन रहा था राइड करने का, सो फाइनली आज डिसाइड कर लिए थे कि भाई कुछ भी हो जाए जाना है। सो अभी किसी को जानते नहीं है उसमें ग्रुप में, बट जाने के बाद जान पहचान हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने को फिलअप करना है एंड यहीं पर मिलने का बात था फ्यूल पंप के पास, तो देख लेते हैं। अभी पहले फ्यूल अप करा लेते हैं अपने बाइक में। कितना? 30। आदर्श का वेट कर रहे हो क्या? आदर्श ओ साथ ही में हम भी आज। सो गाइस फाइनली आदर्श इज कमिंग। कैसे हो हीरो? गाइस दो लड़के आ गए हैं, अनुराग अपने डोमिनार 400 में एंड आदर्श यामा एफजेड में, मेरा वाला बाइक है उनके पास भी। सो मैं ग्रुप में आदर्श को ही जानता हूँ एंड यहाँ पे पूरे राइडिंग ग्रुप है। रांची से ये दो भैया लोग आए हैं, डोमिनार 400 एंड अपाची आरआर 310। हम लोग अभी हैं रामगढ़ घाटी में एंड यहाँ से जा रहे हैं एक डैम का नाम तो अभी नहीं पता है मेरे को, बट सबको फॉलो करके कहाँ पे जाना है आदर्श को पता है एंड दूसरे जो पार्टनर लोग हैं वो लोगों को पता है। यहाँ पर आ गया प्रताप अपने R15 के साथ। पहचाना? हाँ। क्या नाम हुआ भी आपका? प्रणय। और आपका भी है? प्रमय। प्रणय भाई है क्या आप लोग? भाई हैं। प्रणय प्रांजल। प्रांजल ये गाइस ललकी घाटी हो गया अपना एंड यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न लेके नीचे उतर गए हैं। सो हेलमेट क्लोज एंड राइड स्टार्ट। गाइस यहाँ पर एक बार हम आके ब्लॉग बनाए थे, ये वाला मंदिर जो है गोड़ातू करके ये जगह है। सो यहाँ पर अपना चैनल पे एक ब्लॉग बना हुआ है। सो ये सब पहाड़ का पूरा उसमें दिखाए थे एंड आप लोग नहीं देखे हो तो यहाँ पर हाई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाकर देख लो। वो देखिए उस वाले पहाड़ पर हम लोग बनाए थे ब्लॉग पहले। दोस्तों रास्ते में एक गांव में हम लोग को काफ़ी भीड़ मिला यहाँ पर हम लोग का बाइक देखने के लिए, क्योंकि हम लोग पूरे ग्रुप में राइड कर रहे थे और सब में राइडिंग इक्विपमेंट पहना हुआ था, इस वजह से सब लोग देख रहे थे हम लोग को। बहुत पीछे रह गए थे क्या हम? तो गाइस गांव में पूरा भीड़ लग गया था बाइक देखने के लिए।
ये क्या हो गया, ये क्यों बीच में बैठा हुआ है, क्या हुआ वो, बैठ जा पीछे बैठेगा। ओ इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, चलते अपने साथ में राइड पे। रोने लगा यार। चलो चलो क्या गया भाई, ये रोड पे बच्चा खड़ा है। तो चाची बोल रही है कि छुआ के हम और परेशान कर रहे हैं आप लोग। देखिए बम्मा कर रही हैं, बट हम लोग छुआ को परेशान नहीं कर रहे थे, छुआ को साइड कर दे रहे थे, क्योंकि भाई गाड़ी उड़ी आता है और ऐसे बच्चा को छोड़ देता है सब रोड पे, तो थोड़ा सा रिस्क हो जाता है ना। मैं दादी बोल रही हैं कि हमारे छुआ के परेशान करे थे, बट छुआ को परेशान नहीं कर रहे थे दादी। बोंगा सॉरी, सो जगह यह है बोंगा सॉरी। तो गाइस बोंगा सॉरी से अपने को यहाँ से राइट टर्न लिया एंड इधर चलना है अब। तो ये वाला डैम है, नाम क्या है डैम का अभी पता चलेगा। एंड भाई अपने झारखंड में रामगढ़ में काफ़ी अच्छा अच्छा डैम ये सब है, मतलब घूमने वाला जगह है पूरा, पिकनिक विकनिक पिकनिक बनाना घूमना फिरना एकदम मस्त जगह है। यहाँ पर आके हमारा रोड ख़त्म। फाइनली गाइस हम लोग अपने लोकेशन में पहुंच गए हैं और इस डैम का नाम है भैरव जलाशय डैम, जो कि बोंगा सोरी में पड़ता है। सो यहाँ के लोकल आदमी से पूछा मैंने तो उन्होंने बताया कि इस डैम का नाम भैरव जलाशय है। सो गाइस आपको यहाँ पर आना है तो आप ललकी घाटी से सीधा 30 किलोमीटर तक अंदर आना होगा, आपको कहीं पर मुड़ना नहीं होगा, सिर्फ 30 किलोमीटर तक आप आना, आपको बोंगा सोरी करके जगह मिलेगा, वहाँ से आपको राइट टर्न लेके इस डैम में आना है, जो कि डैम काफ़ी खूबसूरत लगा हमें। और हमारा बाइक यहाँ लगा हुआ है और हमने काफ़ी फ़ोटो शूट किया यहाँ पर, और आप डैम देख लो एक बार, काफ़ी बड़ा डैम है ये। पतरातू गए होंगे आप लोग तो पतरातू टाइप का कुछ लगा मेरे को ये। और दोस्तों यहाँ पर बैठने के लिए भी जगह बना हुआ है, तो अपने फैमिली के साथ आओगे तो आपको बैठने का भी जगह मिल जाएगा। यहाँ पर प्रमेय भैया अपने बाइक को नीचे उतार रहे थे फोटो खिंचवाने के लिए। और हम सबको यहाँ पर एक खटिया भी मिल गया है, सो यहाँ पर खटिया भी ले आया आदर्श, तो अभी यहाँ पर फोटो शूट होगा उसके लिए खटिया भी आ गया है। तो दोस्तों हम लोग अब फाइनली वापस जा रहे हैं, तो काफ़ी देर यहाँ मस्ती किया और अब घर भी वापस निकलना है। तो प्रणय भैया और प्रांजल भैया जो रांची से आए थे वो लोग रांची वापस जाएंगे और बाकी के राइडर रामगढ़ के थे, तो हम लोग रामगढ़ वापस निकलेंगे। सो गाइस डैम का नाम है भैरव जलाशय, बोंगासोरी में ये डैम पड़ता है, तो आप लोग भी आ सकते हो, काफ़ी अच्छा जगह लगा मुझे। सो वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।